वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलेंगे पेस्पा का आईएन से बात करते हैं। हेलो हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही आ रही है। क्या हाल है? हाँ जी ठीक ठाक। आप सुने? हाँ जी हाँ ठीक ठाक। अच्छा सर, वो कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे करने थे। आपको याद होगा मैं दो से आई थिंक वन या टू मंथ पहले आया था आपके पास, तो मैंने आपको बताया था कि भाई मेरा 50-50 सीन है। अब मैंने मुकम्मल तौर पर मतलब छोड़ दिया ये सिस्टम सारा, तो फिर भी एक कजन ने मुझे बताया था कि भाई ये क्वेश्चन है। आपको आपने ये वाक्य सुना होगा इस हाबे कहब वाला? हाँ जी सुना है, जारी बात है। तो वो इसको एज अ कंपेयर करते हैं जी। कुरान ने पहले बता दिया हाइबरनेशन थी ये, 300 साल मतलब 300 साल तक वो सोए रहे हैं, उठे हैं, फिर उनको हुक्म दिया गया जी खाना खाओ जाके, यानी कि एनर्जी खत्म हो गई थी। मैंने इस्लामी यूट्यूबर है ना, वो इसको कंपेयर करते हैं जी, इस्लाम ने पहले बता दिया था जो हाइबरनेशन ऐसी होती है। दोबारा बोलें। मैंने कहा कि वो मैंने इस्लामी यूट्यूबर्स वो देखे हैं ना, तो वो इसको कंपेयर करते हैं हाइबरनेशन के साथ, कहते हैं कि कुरान ने इसको पहले बता दिया था इस वाकये के जरिए। तो मैं आपका मतलब इस बारे में सुनना चाहूंगा कुछ। मगर आपको पता है कि साबे कह वाला जो वाक्य है वो बेसिकली क्रिश्चियनिटी का वाक्य है, और जिन्हें ये साबे कह कह रहे हैं मुसलमान, वो तो सारे जो है वो असल में क्रिश्चियन थे, क्रिश्चियन सेंट्स हैं वो। हाँ जी वो तो मैंने मुझे पता है वो क्रिश्चियन थे, लेकिन ये कहते हैं जी वो भी तो अल्लाह ने नाजिल किया ना इंजील, वो सारी गलत नहीं है, थोड़ी बहुत ठीक है। तो वो जो नहीं, वो चीजें जो मर्जी कहते रहे ना, वो बात मैटर नहीं करती ना जी। प्रॉब्लम तो ये है कि अगर क्रिश्चियनिटी सबूत जो है वो साबे कहफ वाली स्टोरी बेसिकली एक फेक स्टोरी है जो कि क्रिश्चियन ने इन्वेंट की थी, वो एम्परर जस्टिनियन का प्रोपेगेंडा था असल में। अब ये उसको जितना मर्जी कह लें उससे क्या फायदा, वो फर्क पड़ता है? तो फिर ठीक है, वो अपने आप को छलियां दे रहे हैं ना, ये वो देते रहेंगे छलियां, क्या बात है। अच्छा मैंने ना अभी कुरान को पढ़ना शुरू किया था तफसीर के साथ, तो सूरह बकरा में ना पहले ही मुझे थोड़ा सा ना डाउट हुआ, तो ये बात मैं आपसे बताना चाहूंगा। जब है ना अल्लाह अल्लाह ताला इरादा करते हैं जी हम खलीफा बना रहे जमीन पे भेज रहे हैं, तो वो जो फरिश्ते आगे से कहते हैं जी आप ऐसा खलीफा क्यों बना रहे हैं जो जमीन पे जाके फसाद करेगा। अब यहाँ पे सोचने वाली थोड़ी बात ये है कि भाई फरिश्तों को कहाँ से इल्हाम हो गया इंसान जमीन पे जाके फसाद ही करेगा। हाँ, ये बात है कि फरिश्तों को कैसे पता कि इंसान जाके फसाद करेगा। हाँ। शायद वो इसका जवाब ये भी दिया जा सकता है कि फरिश्तों के पास इतना नॉलेज था कि वो समझ सकते थे कि इंसान फसादी होगा। नहीं फिर भी अगर अल्लाह ताला तो वो जब पहले इंसान पहले ने अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं, तो फरिश्ते कैसे कह सकते हैं? तो फरिश्तों को वो कैसे मतलब जज कर सकते हैं? हालांकि अगर कोई भी कोई हम रोबोट बनाते हैं हमें तो नहीं पता चलेगा जी ये क्या करेगा आगे। असल में मेरा मेन पॉइंट सारी सूरह कहफ या बाकी जितने भी इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो गप्पे हैं, इन्होंने क्रिश्चियन से बस पारो कर ली और इनको पता नहीं है। असल में तो मेन बात है अभी वो साहिल अदीन वो सूरह कहफ की बेस पे पता नहीं क्या क्या बनाता रहता। सही है, मैंने उसको जवाब भी दिया था और मैं अभी उसको और भी जवाब दूंगा, क्योंकि हमें सब पता है कि सूरह कहफ में जो बातें की गई हैं वो बेसिकली क्रिश्चियन की गप्पे थी जो कि मोहम्मद ने या जिसने भी कुरान लिखा है उसने सच समझ के कुरान में शामिल कर लिया। ठीक है, ऐसा नहीं है मोहम्मद को वाकई कोई इल्हाम आया था कि जी सूरह कहफ की बातें लिखो जी इसके अंदर, कोई इल्हाम नहीं आया था। मोहम्मद ने सुनी थी जो बातें या जिसने भी कुरान लिखा है उसने बातें सुनी थी, उसने उठा के कुरान में डाल दी और ये आज बैठे उससे पोर्टल्स और टाइम ट्रैवल और पता नहीं क्या क्या निकाल रहे हैं। ठीक है, ये सब बकवास ये गप्पे हैं। जब वो उनका वाक्य बताते हैं ना कि जी अल्लाह अल्लाह से मिलने गए थे मोहम्मद बुराक पे बैठ के, तो ये कहते हैं जी बुराक का मतलब है बिजली,
यानी कि अब इन्होंने वो इशारा दे दिया है कि भाई दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की है ना, देखो जी कुरान में इसका भी जिक्र है। और बिजली जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं करती, इनको कौन बताए? ठीक है, हाँ हाँ, बर्क जो है वो बिजली जो है वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं करती, आसमानी बिजली जो है वो लाइट की स्पीड से नहीं गिरती है। ठीक है, हाँ समझिए। वो मेरा बस यही मेन क्वेश्चन था हिसाबे का वाला। ठीक है फिर आप कंटिन्यू करें फिर बात। हाँ चलें, ठीक है ठीक है ठीक है, फिर आइएगा जरूर। ठीक है, ओके ओके जी सर, सर, जरूर बाय आऊँ। बाय। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।